ऑलराइट जी, तो आज है हमारा 10 डेज 10 वीडियो चैलेंज का डे 9 और वीडियो नंबर भी आज 9 शूट कर रहे हैं। फिलहाल हूँ मैं पहाड़गंज में, पीछे से थोड़ा सा शोर आ रहा होगा आपको, तो उसके लिए बहुत बहुत सॉरी। फिलहाल मैं आया हूँ चावला अंकल के नान खाने, जो बहुत ही ज्यादा फेमस है यहाँ पे, सिर्फ दिल्ली में नहीं बाहर से भी लोग खाने आते हैं। और पिछले 1 घंटे में मेरे को एहसास हुआ कि उठती जलती गर्मी का मौसम आ चुका है, क्योंकि भाई दिल्ली में बहुत ट्रैफिक है। हम जहाँ से आए वहाँ से यहाँ रास्ता है सिर्फ 3.5 से 4 किलोमीटर का, और हमें सिर्फ 3.5 किलोमीटर कवर करने में लग गए 1 घंटा, तो आप सोच सकते हो यार कितना ज्यादा ट्रैफिक था। बाकी फिलहाल चलते हैं, इनके दिखाते हैं आपको नान कैसे हैं, टेस्ट करेंगे और बाकी बहुत सारी बातचीत करेंगे। आ जाओ जी। तो अभी आ चुके हैं हमारे पनीर चूर चूर नान, बेसिकली 8 वैरायटी है इनके पास नान की, बट हमने लिया पनीर नान और अभी टेस्ट करते हैं। जी तो अभी हमारे नान हो चुके हैं खत्म, हमने बेसिकली 1 प्लेट लेते घर से खाना खा के, उसके बाद आइडिया आया कि यहाँ का व्लॉग बनाना चाहिए और सोचा 10 डेज 10 वीडियो चैलेंज चल रहा है, क्यों ना ये दिखाया जाए, क्योंकि बहुत ही ज्यादा अच्छे नान थे भाई, आपको आके जरूर ट्राई करने चाहिए यहाँ पर। बाकी शॉप का एड्रेस और लोकेशन वगैरह सब कुछ आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। और बाकी अंकल से थोड़ी बात करते हैं, अभी आ जाओ एक बार। ऐसे अंकल बढ़िया बढ़िया, कितने साल हो गए आपकी शॉप को? सबसे दिल्ली में पहली दुकान है, दिल्ली में पहली दुकान, दिल्ली में लोग नाम ही नहीं जानते थे चूर चूर नान है क्या। हाँ मैं अमृतसर 1 महीना रहा था, सन 82 में वहाँ पे था, सन 82 में वहाँ पर थे, मैं थे, मेरे फादर थे, हम वही नाश्ता वही करते जी जी जी, वहाँ ध्यान आया कि ये काम वहाँ चल के वही अपनी दुकान शुरू करेंगे, क्योंकि हमें अच्छा भी लगा और सस्ता भी लगा। सस्ता अच्छा तो बहुत अंकल जवाब नहीं आपके नाम का, मजाक नहीं। वहाँ से फिर हमने यहाँ आकर ये काम शुरू किया, 87 और दिल्ली में सबसे पहली दुकान थी, आज भी पहले नंबर पे है, पहले नंबर पे है, आपने सामने खुल गई है जी जी, लेकिन कोई चिंता वाली बात नहीं है, अपने ना काम को हल्का नहीं होने दिया। सही बात है, मैं खुद कारीगर हूँ, खुद चलाता हूँ, माल खुद बनाता हूँ और पूरी काम में पूरी ध्यान देता हूँ, मेरा कस्टमर उठ के ये नहीं कहेगा कि काम में। कितने साल हो गए अंकल आपको ये शॉप खोले हुए? 87 से ले लो, 17। अच्छा तो आपके फादर ने शुरू किया था? मैं था, ब्रदर थे। अच्छा अच्छा, फादर सर, उसके बाद फिर हमने संभाला, मेरा बेटा साथ होता है, ऐसे नहीं लूंगा कस्टमर की शिकायत पर, तो भाई साहब शिकायत हो तो पैसे मत देना, शिकायत वाली बात ही नहीं छोड़ रखी आपने, वही तो सारी बात है। खुद काम माल बनाता हूँ फिर माल सर्वे कर रही हूँ, सही सही, और काउंटर भी मैं खुद चलाता हूँ। अच्छा, ऑलराउंडर हो वो तो उसकी कृपा है जी अंकल, मैं कुछ भी नहीं, मेरा कस्टमर आज भी 25 साल पहले का आता है तो कहता है भाई साहब मैं यहाँ से निकलता हूँ और आपसे खाए बगैर नहीं जा ही नहीं सकते अंकल, अब मैं बन गया हूँ आपके साथ बता रहा हूँ। वेलकम सबका, वेलकम सबका, धन्यवाद। क्योंकि दिल्ली की 2 चीज पसंद आई मेरे को, जो दिल से पसंद आई, एक मायापुरी के छोले कुलचे और एक पहाड़गंज के नान, मैं कुछ भी नहीं। अगर लगता है कि जेब से 130-120 रुपए जा रहे हैं तो वो दुगने वापस जा रहे हैं पेट में, ऐसा अंकल मजाक नहीं, बहुत बढ़िया टेस्ट है। पूरा मान दूंगा कस्टमर को, मैं सब कस्टमर का धन्यवाद करता हूँ,
जिन्होंने मेरे को इतना नाम दिया, उसका भी धन्यवाद और कस्टमर का भी धन्यवाद और आपका भी धन्यवाद। आप इतना मान लो, इतना सम्मान दो लोगों के बीच में, मेरी इतनी इज्जत बढ़ाओ। अरे तो भाई अभी का सीन कुछ ऐसा है कि अंकल हमसे पैसे नहीं ले रहे थे, लेकिन अपना धंधा अलग है और वीडियो अलग है, तो अंकल ने हमारे कहने से ले लिए और हमें गिफ्ट दिया साथ में 100 बॉस। ठीक है, हफ्ते भर का काम चल गया हमारा। बहुत ही प्यारा नेचर अंकल का, आप आओ यहाँ पर जरूर, बात करो अंकल से, आपको पूरी स्टोरी बताएंगे कब से इन्होंने दुकान स्टार्ट करी, क्या क्या हुआ और अभी कौन कौन संभाल रहा। बहुत ही प्यारे अंकल हैं, आप आए जरूर यहाँ पर, मतलब पहाड़गंज आप आओगे इनके नाने के ऊपर खा लिए तो शर्त की बात है 101% की आप बिना खाए दोबारा जाओगे नहीं यहाँ से। पहाड़गंज आए हो मतलब चावला जी के नाम तो खाने खाने हो, है ना। तो नमस्कार अंकल जी, हम चलते हैं अंकल। और अंकल जी के नान NDTV के एक रिपोर्टर हैं बहुत बड़े, मैं उनका एक सेकंड आपको नाम दिखा दूं, विनोद दुआ जी, उनका पोस्टर भी लगा हुआ है यहाँ पे, आप अगर देख पा रहे होगे तो। विनोद दुआ जी जो हैं वो इनके नान खाने आए थे, और सोच सकते हो कितने बड़े बड़े लोग नान खा रहे हैं तो कुछ तो बात होगी ना, बात नहीं है जादू बल्कि मैं कह रहा हूँ। तो आप प्लीज जरूर आए हाड़गंज चावला के नान स्पेशल, मैं डिस्क्रिप्शन में एड्रेस लोकेशन वगैरह हर चीज का लिंक आपको दे दूंगा। और बस यही है अपना तो आज का।